हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। आज की इस वीडियो में हम लोग नेवी एमआर एग्जाम के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज की वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना और जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, उसके बाद अपना आंसर टिक करना, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं और कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है गन पाउडर में क्या होता है, तो चार ऑप्शन है, आप लोग चार ऑप्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, गन पाउडर में क्या होता है, तो इसे कंपोनेंट्स का पूछे जा रहे हैं, क्या इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि गन पाउडर वाला आपने शायद ना भी सुना हो, तो KNO3, चारकोल और गंधक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो ये इसमें होता है। और बाकी माइन्यूट अमाउंट में और भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन मेजर जो होते हैं, मतलब ज़्यादा जो होते हैं, वो यही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है किसमें देखने को मिलता है, यहाँ पर काला चना, बंगाल चना, मटर या सोयाबीन। ठीक है, काबुली चना भी होता है तो वो भी चलता है इसमें। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत जो है, जो लोग रनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, और तो वो भी यूज़ करा जाता है, सोयाबीन जो होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन का स्रोत होता है। अगर आप लोग भी रनिंग करते हो तो सोयाबीन का थोड़ा सा अमाउंट आप लोग जो है कंज्यूम करा करो, चने वगैरह आप खाते हो अगर फुलाकर, तो उसमें सोयाबीन भी डाल दिया करो, अच्छा रहता है। और थोड़ा रनिंग पर भी ध्यान दो, है मार्क के लिए, एसएसआर के लिए, जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग। सूर्य हमें सूर्योदय से कुछ से पहले एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। आप लोगों ने देखा होगा सूर्योदय से पहले हमें सूरज दिख जाता है, ठीक है, और सूर्योदय जब डूब जाता है तो उसे कुछ देर बाद तक दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य जब पूरा डूब जाता है फिर भी एक वो लाल लाल से जो आपको दिखता रहता है, तो वो ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीज़न होता है, पहले आप लोग ऑप्शन पढ़ लो फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो आप लोगों ने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। इसका रीज़न होता है वैसे कि रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है, इसको हिंदी में अपवर्तन जिसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, तो रिफ्रैक्शन के कारण जो होता है। रिफ्रैक्शन के काफ़ी एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन, इन सब का एग्जांपल पढ़ लेना, ठीक है। पानी की बूंदों से रेनबो क्यों बनता है, ऐसे क्वेश्चन एमआर के पता नहीं उनके लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं, तो ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूजुअली। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस से बताया है, मैंने देखा भी है, तो ये सब लोग पढ़ लेना, ठीक है, अपवर्तन, प्रवर्तन और ये डिफ्रैक्शन के, प्रकरण के, इन सबके देख लेना एग्जांपल्स क्या होते हैं। बाकी क्वेश्चंस में आएगा तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन आप पूछ रहा है 16th क्वेश्चन कि 100 डिग्री सेल्सियस का 1 ग्राम पानी उसी ताप पर भाप में बदल जाता है, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, लगभग कितनी होगी, देखिए यहाँ पर लगभग पूछा जा रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली उसका मैं बताऊँगा क्यों लगभग यहाँ पर कहा जा रहा है। तो देखिए, बता दें आपको कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वाटर का, ठीक है, वाष्पन की जो ऊष्मा जो होती है वो 2260 कैलोरी, बता रहा हूँ 2260 किलो जूल पर केजी होती है, ठीक है, पर केजी, लेकिन यहाँ पर 1 ग्राम का पूछा जा रहा है, तो आप लोग अगर ग्राम पे निकालेंगे तो आपका बैठेगा 2260 जूल, ना कि किलो जूल, क्योंकि हम लोग ग्राम में निकाल रहे हैं, तो 2260 किलो जूल जो है होती है, और किलो जूल पर केजी होती है केजी केस में, लेकिन यहाँ ग्राम का पूछा जा रहा है, तो 2260 जूल होगी। अब देखिए 2260 यहाँ पर नहीं दे रखा, लेकिन अभी लगभग पूछा गया अप्रॉक्सीमेटली, तो 2260 को हम लोग लगभग कह सकते हैं 2257 जूल। थोड़ा ध्यान से सुने, ये जूल में कहा गया है, आप लोग अभी अगर कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने तो कैलोरी में पढ़ा होगा, ठीक है, कैलोरी पर ग्राम, तो वो कैलोरी पर ग्राम में कितना होता है, 540 होता है, तो इस जगह कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है, वो 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, तो इसको नहीं टिक कर देना, यहाँ पर जूल में पूछा जा रहा है, तो 2260 होता है किलो जूल पर केजी, लेकिन 1 ग्राम के लिए हम लोग निकालेंगे तो 2260 जूल आएगा, ठीक है, लेकिन 2260 जूल नहीं दे रखा है, यहाँ पर लगभग पूछा जा रहा है, तो 2257 हम लोग टिक कर देंगे, इस चीज़ को आप लोग आगे से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, एक उपग्रह पृथ्वी के चतुर्द्रिक घूम रहा है, उसके अंदर एक जार में पानी रखा है, ये मिसप्रिंट है, पानी रखा है, जार के पानी में एक कॉर्क को ढकेल दिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, तो कॉर्क क्या होगा। देखिए, कॉर्क क्या होता है, एक लकड़ी का आप लोग कह सकते हैं ना, छोटा सा पीस होता है, ठीक है, इतना छोटा सा पीस होता है, तो इसको एक जार के अंदर रख दिया गया, और सैटेलाइट उपग्रह, एक सैटेलाइट जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, राउंड राउंड सर्कल लगा रहा है, तो उसके अंदर रख दिया गया और छोड़ दिया गया, तो बताइए क्या होगा। चार ऑप्शन, आप लोग पहले ऑप्शन पढ़ लो और अपना आंसर टिक कर लो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ओके, आप लोगों ने आंसर अपना टिक कर लिया होगा। देखिए, आपको पता होगा कि अपकेंद्र बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्रीय बल, सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मान लीजिए पृथ्वी है, ये केंद्र है, केंद्र के चारों ओर सैटेलाइट उपग्रह घूम रहा है, तो एक जो बल उसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, एक ये बल लगाना जरूरी है, अगर अपनी तरफ नहीं खींचेगा तो ये घूमते 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 बाहर निकल जाएगा। एक बल उसको अपनी तरफ खींच रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण यहाँ पर खींच रहा है इसको। और ये मान लीजिए सैटेलाइट है, सैटेलाइट के अंदर एक जार रखा हुआ है, गिलास रखा हुआ है, कांच का एक बड़ा सा, ठीक है, उसके अंदर एक कॉर्क, लकड़ी का हमने पीस डाल दिया। अब देखिए, वो ऐसे घूमेगा तो इट्स कॉमन, ये कॉमन बात है कि अगर वो एक बार छोड़ दिया गया और वो घूम रहा है कंटिन्यूअसली, तो नीचे बैठने का उसको मौका ही नहीं मिलेगा,
ठीक है, वो ऊपर ही रहेगा और चिपक जाएगा, उसकी दीवार से जो है, जार की दीवार से चिपक जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए जार है, ठीक है, इसमें ये कॉक पड़ा हुआ है, मतलब लकड़ी का कॉक पड़ा हुआ है, ये इसके साथ चिपक जाएगा। आप लोग उसको एक्सपीरियंस भी करा होगा, जैसे घूमता है ना फटाफट, तो उसी साथ चिपक चिपका चला जाता है साथ में। इस एग्जाम्पल में आपको कैसे बताऊँ कि आप लोगों ने नोटिस भी करा होगा ना ये चीज़, मतलब जैसे ग्लास में डालते हैं और घुमाते हैं स्पीड में, तो उसी साथ चिपका चला जाता है उसकी दीवार पर, नीचे नहीं बैठ पाता, चिपका चला जाता है। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्पल्स होते हैं इसका, आप लोगों ने डेली लाइफ में भी इसको जो है देखा होगा। ओके, तो उसमें वैसे इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, किसी दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, पावर बढ़ाने के लिए जो है हम लोग देख सकते हैं, एक बटा फोकस होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकस के, तो हम लोग आईपीस जो नेत्रिका जो होती है उसकी फोकस दूरी हम लोग घटा देंगे, इनवर्सली घटा देंगे तो पावर अपने आप जो है बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। रात में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, अभी मैंने आपको बताया ऊपर, तो आप लोग इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ओके, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कारण ये भी होता है, रिफ्रैक्शन कारण वो आप लोगों सूर्योदय से पहले आप लोग सूर्य देख सकते हैं और सूर्य डूबने के बाद तक आप लोग देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन कारण, और रातों में आप लोग देखा तारे टिमटिमाते रहते हैं, ब्लिंक करते रहते हैं, तो वो अपवर्तन रिफ्रैक्शन कारण होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप पूछ रहा है, रॉकेट का जो संरक्षण का, रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो चार ऑप्शन आप लोग पढ़ लें। रॉकेट वाला मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस करा है, तो ये वर्क करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रेखीय संवेग जिसे हिंदी में कहते हैं, किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा, ध्यान से पढ़ना, बढ़ जाएगा यदि इसको कहाँ ले जाया जाए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाएगा, तो ये पर्याप्त रूप से अपेरेंट वेट जो है वो बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति 1 घंटे में 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और अगले घंटे में 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो उसका औसत वेग हमको ज्ञात करना। आप लोग ऑप्शन पढ़ लो और आप लोग अपना आंसर टिक कर दो फटाफट से। ओके, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा और अब तक आंसर भी टिक कर दिया होगा। ठीक है, देखिए आपको पता है क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब देखिए 4 किलोमीटर पहले वो उत्तर की तरफ गया, ठीक है, 4 किलोमीटर हम 4 लिख देते हैं, किलोमीटर आप लोग समझिए, 4 गया उत्तर उत्तर की तरफ, फिर अगले घंटे में 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया, ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि वो 4 3, अब बताना है इसका इसका औसत वेग कितना है। तो देखिए 4 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया, औसत वेग आप लोग कैसे निकालेंगे, 4 + 3/2 ऐसे नहीं निकालना है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम टेकन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो आपको पता होगा 3 4 के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनता है, 5 का। ठीक है, मतलब आप लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3 4 5 के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है, 3 4 और ये 5, क्योंकि 3 3 का 9 और 4 6 16, 16 + 9 25, 25 का रूट में डाल देंगे तो 5, मतलब ये 5 आ रही वैल्यू, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर बड़ा टोटल टाइम कितना लिया, 1 घंटा यहाँ लिया, अगला घंटा यहाँ लिया, मतलब 2 घंटे लगे, 5/2 2, यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ध्यान से पढ़ना, तत्व पूछा जा रहा है यहाँ पर, गैस नहीं पूछी जा रही। तो आप लोग इसका आंसर टिक कर दें फटाफट से, क्या पाया जाता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा करीब 46% जो है ऑक्सीजन है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक अल्फा कण जो होता है वो किससे बना होता है, तो आप लोग याद कर लें कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल जिसे कहते हैं। ठीक है, निम्न में से सबसे भारी परमाणु कौन सा है, तो रेडियम, लीड, लेड या फिर यूरेनियम या फिर हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम है, इट्स ऑब्वियस सबसे भारी परमाणु है यूरेनियम। तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे, 12 13 क्वेश्चंस हम लोगों ने करे, लेकिन क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि एमआर लेवल तक के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, 10th लेवल तक की साइंस देखी जाए तो अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोग ऐसे क्वेश्चन और चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर रखो, पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और प्लीज़ आप लोग यार इस वीडियो को लाइक कर दो, हमें मोटिवेशन मिल जाता है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और थोड़ा वो जो मैंने आपको बताया था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जूल और कैलोरी वाला, तो कैलोरी 540 कैलोरी होगा और जूल में कहा जाएगा तो 2260 किलो जूल पर केजी, ठीक है, ये होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।